नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ, वो सबको ये कन्फ्यूजन है कि मैम एकादशी कब की है, 22 तारीख की है या 23 तारीख की है। तो एकादशी दोनों दिन ही है, एक दिन 22 तारीख को जो एकादशी है वो स्मार्त है, और जो 23 तारीख को एकादशी है वो वैष्णव एकादशी है। तो कहते हैं कि जो गृहस्थ लोग होते हैं उन्हें वैष्णव एकादशी ही करनी चाहिए। तो अगर आप दोनों एकादशी करना चाहते हैं तो आप 22 को भी एकादशी कर सकते हैं, 23 को भी, दोनों दिन ही कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 23 को करेंगे तो वो अति उत्तम है। और जो ये एकादशी है, ये उत्पन्ना एकादशी है, मार्गशीर्ष मास के जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है वो उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानी जाती है। सब्सक्राइब करें चिको रेसिपीज को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो कहते हैं कि भगवान श्री विष्णु ने मुर नामक राक्षस का वध भी इस एकादशी के दिन ही किया था। और इस एकादशी को करने से कहते हैं कि धन धान्य में बढ़ोतरी होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों में कहा गया है कि जो एकादशी है वो एक देवी ही है और ये भगवान विष्णु के अंश से ही पैदा हुई है। तो आपको एकादशी का व्रत कैसे करना है, मैं आपको हर बार वीडियोस में बताती ही हूँ कि जो एकादशी का व्रत है वो दशमी तिथि से शुरू हो जाता है, या यूँ कहें कि जो एकादशी का व्रत होता है वो 3 दिन का होता है। दशमी से शुरू होता है यानी कि एकादशी से एक दिन पहले शुरू होता है। एकादशी को तो व्रत होता ही है और द्वादशी को हम लोग जो व्रत का पारण करते हैं। तो आपको एकादशी की जो व्रत करना चाह रहे हैं या व्रत शुरू करना चाह रहे हैं तो उनके लिए ये जो एकादशी है वो बहुत ही उत्तम है, वो इस उत्पन्ना एकादशी से अपना व्रत शुरू कर सकते हैं। तो आपको व्रत कैसे करना है कि आपको दशमी के दिन यानी कि एकादशी से एक दिन पहले आपको शाम से ही अपना व्रत शुरू कर देना है। दिन ढलने से पहले ही आपको हल्का भोजन ले लेना है, बिना प्याज लहसुन का खाना खाएं और आप चावल ना खाएं बिल्कुल भी एकादशी से एक दिन पहले। फिर एकादशी की सुबह आप उठेंगे, अपने पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करेंगे। अगर आपके घर में ठाकुर जी का विग्रह है या गोपाल जी हैं तो आप उन्हें पंचामृत से स्नान करवाएं। उसके बाद आप उनकी धूप दीप आरती करें और आप उनके पीले फूल चढ़ाएं और उनको आप जो भोग लगाएंगे वो फलाहार ही भोग लगाएंगे, फल का लगाएं या आप मखाने की खीर या साबूदाने की खीर का भोग लगा सकते हैं। कहते हैं कि एकादशी का जो व्रत है वो बिना नमक का करना चाहिए, लेकिन मैं हर बार आपको बोलती हूँ कि आप अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार करें। अगर आपकी तबीयत बिना नमक के, कुछ लोगों का जो बीपी लो हो जाता है तो आप नमक खा सकते हैं, तो आप शालिग्राम जी को तुलसी की मंजरी जरूर चढ़ाएं, उनको तुलसी पत्ता जरूर चढ़ाएं और जो भगवान विष्णु है या भगवान श्री कृष्ण है उन्हें तुलसी की माला बनाकर जरूर पहनाएं। और अगर आपको तुलसी तोड़नी ही है तो एकादशी से एक दिन पहले आप तुलसी तोड़ लें। फिर आप जो अपना व्रत खोलेंगे, व्रत आपको दिन ढलने से पहले ही खोलना है और आपको फलाहार ही खाना है। फिर आपने अपने व्रत का अगले दिन पारण कैसे करना है, एकादशी के दिन तो आपको फलाहार खुद भी करना है, अगर आपको दान भी देना है तो आपको फलाहार ही दान देना है, फल दे सकते हैं और आप दूध का दान भी दे सकते हैं। लेकिन जब आप द्वादशी को अपने व्रत का पारण करेंगे तो ऐसे में आपको चावल का दान देना है या किसी भी अनाज का दान देकर और चावल का अपने ठाकुर जी को भोग लगाकर फिर आप खुद खाएंगे, फिर आप उस व्रत का पारण करेंगे। तो उत्पन्ना एकादशी पे आप पूजा करेंगे, उसके बाद आपको सुननी होगी कथा। तो इस कथा में आपको ये पता चलेगा कि जो एकादशी है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो चलिए मैं आपको सुनाती हूँ एकादशी की कथा। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु और मुर नामक राक्षस का युद्ध चल रहा था। राक्षस से युद्ध करते करते भगवान विष्णु थक गए थे, इसलिए वह बद्रिकाश्रम में गुफा में जाकर विश्राम करने चले गए। मुर राक्षस भगवान विष्णु का पीछा करता हुआ बद्रिकाश्रम पहुंच गया था। गुफा में भगवान विष्णु को निद्रा लग गई। निद्रा में लीन भगवान को मुर ने मारना चाहा, तभी विष्णु भगवान के शरीर से एक देवी प्रकट हुई और उन्होंने मुर नामक राक्षस का तुरंत वध कर दिया। देवी के कार्य से विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि हे देवी, आपका जन्म कृष्ण पक्ष की एकादशी को हुआ है, इसीलिए आपका नाम एकादशी होगा। सभी व्रतों में तुम्हारा व्रत श्रेष्ठ होगा। आज से हर एकादशी को मेरे साथ तुम्हारी भी पूजा होगी। जो भक्त एकादशी का व्रत रखेगा वह पापों से मुक्त हो जाएगा।
तो ये थी उत्पन्ना एकादशी की कथा कि एकादशी की उत्पत्ति कैसे हुई, वो मैंने आपको बताया कि अगर जो लोग व्रत भी करना चाह रहे हैं तो उत्पन्ना एकादशी से अपना व्रत शुरू कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और आप अपने सुझाव हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, धन्यवाद, हरे कृष्ण।